सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गल्फ वॉर. गल्फ वॉर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए. फर्स्ट, इराक वॉज डिफीटेड, इराक हार गया. सेकेंड, यूएन कोलिशन वॉज लेड बाय जनरल नॉर्मन स्क्वार्ज़कॉफ एंड 75% ऑफ कोलिशन फोर्स कंसिस्टेड ऑफ अमेरिकन्स. मतलब यूएन कोलिशन जो था जिसमें 34 कंट्रीज ने मिलकर इराक पे अटैक किया था, उसमें जो 75% सोल्जर्स थे वो यूएसए के ही थे. This war proved that USA was using high technology and it was using smart bombs. तो इस वॉर से क्या पता चला कि USA का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही हाई लेवल का था. अगर बाकी सारे कंट्रीज यहाँ पे थे तो USA was at this level. It was at the top because it was using smart bombs which is called computer war. तो USA क्या कर रहा था, वो बैठे बैठे अटैक कर रहा था दूसरे कंट्रीज पे. सो इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर वॉर और वीडियो गेम वॉर. इट रिवील्ड बिग गैप बिटवीन USA एंड अदर कंट्रीज. इससे पता चला कि टेक्नोलॉजी जो है वो USA की बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. USA मेड ह्यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम वॉर फ्रॉम कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी एंड सऊदी अरेबिया. तो USA को बहुत सारे कंट्री ने फाइनेंस किया था वॉर के टाइम. जापान, जर्मनी एंड सऊदी अरेबिया, ये तीनों ने मिलकर फंडिंग की थी ताकि वो इराक पे अटैक करें. बट इसके जो पैसे थे वो बच गए क्योंकि 75% जो सोल्जर्स थे वो USA के ही थे. तो इसे बहुत कम क्या करना पड़ा, दूसरे पे खर्च करना पड़ा. एज अ रिजल्ट इसका बहुत प्रॉफिट हुआ.